ऐसा तो रघुवर सरकार के समय का है, चाहे वो पूजा सिंघल से पकड़ाया हो। सीधे साधे आदिवासी को लोग को पचा नहीं पाते हैं, मुख्यमंत्री आदिवासी है। जब जब भाजपा या मोदी डरता है तो ईडी सीबीआई करता है। ऐसा तो रघुवर सरकार के समय का है, चाहे वो पूजा सिंघल से पकड़ाया हो। फंसाने तो चले थे हेमंत सोरेन को, लाडली थी उनकी, रही है नहीं। आप आईएएस अफसर हैं, केंद्र से आईएएस अफसर हमको कम दीजिएगा तो मजबूरी है राज्य सरकार के पास कि वो उन्हीं को विभाग देगा, तो उनको विभाग मिल रहा है। लेकिन ये सारा साजिश कुचक उनके समय का रचा हुआ है और उस समय का पैसा था। चाहे वो दुमका में जो पकड़ा रहा है, जैन बंधु वगैरह जो पकड़ा रहे हैं, वो सारे तो बीजेपी रघुवर दास के चमचे लोग हैं। तो इसमें हेमंत सोरेन का कहाँ गलती है? पंकज मिश्रा के यहाँ से पैसा नहीं पकड़ा है जितना आप बोल रहे हैं। इनको भी जब केंद्र की सरकार ने फंसाने का काम किया तो रिजल्ट आपके सामने है कि वो बाइज्जत बरी किए गए। भाजपा नहीं थी लेकिन केंद्र सरकार था, जिसका भी सरकार था, कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन शिबू सोरेन बाइज्जत बरी हुए ना। तो इस तरह से साजिश तो झारखंड के सीधे साधे आदिवासी को लोग को पचा नहीं पाते हैं। मुख्यमंत्री आदिवासी है, इसको लोग पचा नहीं पा रहे हैं। इतना अच्छा जमीन के अंतिम पैदान तक ये सरकार पहुंचने की कोशिश कर रही है, हर की सुख सुविधाओं को ध्यान में रख रही है, उनका निराकरण करने चाह रही है जो समय परेशानी है। अब देख लीजिए कि 11 तारीख को 1932 का खतियान और 27% आरक्षण के लिए एक दिवसीय विधानसभा का आयोजन किया गया है। तो भाजपा को अब डर पैदा हो गया कि ये तो उस दिन घोषणा कर देगा और हमारे हाथ से जो बचा खुचा है वो भी चला जाएगा, इसलिए शुरू किया है। अभी देख लीजिए कि भाजपा के लोग हर गांव प्रखंड में आज से 11 तारीख तक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किए हैं, जबकि ये लोकप्रिय सरकार के द्वारा जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो पंचायत पंचायत इसी हेमंत सरकार के निर्देश पर लोगों की समस्याओं को सुनने जा रहे हैं, उसको डिस्टर्ब करने के लिए भाजपा वाले जा रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगे? तो किसी ने अभी नारा लगाया था कि जब जब भाजपा या मोदी डरता है तो ईडी सीबीआई करता है, वही लोग कर रहा है। मैं मुश्ताक आलम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, रांची जिला अध्यक्ष। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।